हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप लोग मेरे पैनल पर देख रहे होंगे, आज हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्ट थ्री, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली में हमारा ये आज पार्ट थ्री रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू को अपलोड कर दिया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारा एक और चैनल है एच एस सर कंपटीशन टीम, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको भी आप लोग शेयर करें, क्योंकि उस पर एक्चुअली में कंपटीशन की ही तैयारी की जाती है। जैसे कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हुआ, कोई भी डिफेंस एग्जाम्स हुआ, तो उसको भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है एच एस सर कंपटीशन टीम। तो इसमें मैंने पिछली वीडियो में, अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो आप देखें, तभी आपके समझ में आएंगे। पिछली वीडियो में मैंने जो लास्ट मैंने जो रूल छोड़ा था ना, वो मैंने फ्रेश करा दिया था कि प्रेजेंट, जब कोई रिपोर्टिंग और प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो आरएस में कोई बदलाव नहीं होता है। आज हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, आप लिख सकते हैं। आज का जो पहला रूल रहेगा वो है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आरएस में निम्न बदलाव होते हैं। ठीक है, तो आरएस में निम्न बदलाव होते हैं, तो आप देख सकते हैं, नोट डालने या कुछ भी डालने, आपका आरबी किस में हुआ, अगर आपका आरबी किस में हुआ, आरबी आपका पास्ट टेंस में हुआ मान लो, ठीक है, आरबी आपका पास्ट टेंस में होगा ना, तो पहले तो आरबी को कैसे पहचानोगे पास्ट टेंस में, आरबी को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट टेंस में आ रहा है। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले क्या हैं, हमेशा कह तो आपका आएगा सेड या आएगा आपका सेट टू, ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आप बस ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सेड आ रहा हो या सेट टू आ रहा हो, तो मान लो कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, आपके पास्ट में होगी। ठीक है, ये ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि यहाँ पे इससे पहले मैंने क्या कराया, इससे पहले कराया था रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो आरएस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। आज का जो रूल, पहला रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो आरएस में क्या क्या चेंज होगा, देखें तो आरएस में जो पहला चेंज होता है ना, पहला चेंज होगा आपका टेंस चेंजिंग। पहला जो हमारा क्या होगा, टेंस चेंजिंग, ठीक है। दूसरा जो चेंज होगा हमारा, वो होगा हमारा टाइमिंग, टाइमिंग वर्ड्स चेंजिंग। तीसरा चेंज होगा हमारा प्रोनाउंस चेंजिंग, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं। देखिए हेडिंग क्या थी, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आरएस के अंदर तीन चेंज होंगे। आरएस बोले तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तीन चेंज होंगे। पहला चेंज क्या होगा, टेंस बदलेगा आपका, टेंस चेंजिंग। दूसरा टाइमिंग वर्ड्स चेंजिंग बोले तो समय सूचक शब्द ये बदलेंगे। और तीसरा होगा आपका प्रोनाउंस चेंजिंग। बस आपको हेडिंग डालना है, मैं बता दूंगा ये चीज़ क्या होती है, क्या सब कुछ मैं एक टेबल से आप लोगों को मैं समझा दूंगा। ठीक है, इसको भी समझ लें कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में कब होगी, किसी पे टेंस आते या नहीं आते, फिर भी समझ लें, केवल सेड आ जाए या सेट टू आ जाए, समझ जाना रिपोर्टिंग वर्ब किस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, और पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब तो आरएस में कितने चेंज होंगे, तीन चेंज होंगे, टेंस चेंज होगा, टाइमिंग वर्ब चेंज होगा और प्रोनाउन चेंज होंगे। यहाँ तक आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली हमारी जो हेडिंग है, आज हम बात करने वाले हैं टेंस चेंजिंग। ठीक है, टेंस चेंजिंग को लेकर हम लोग बातें करने वाले हैं। तो पहले हेडिंग डालने हैं आप लोग टेंस चेंजिंग। ओके, पहली हेडिंग क्या रहेगी हमारी, टेंस चेंजिंग। और उसमें आप क्या करना है, पहली हेडिंग के अंदर टेंस चेंजिंग में फिर आपको एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींच लेना है। आप एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, ठीक है, इसके एक तरफ लिखेंगे आप डायरेक्ट स्पीच, ठीक है,
एक तरफ लिखेंगे आप इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। हेडिंग क्या आती, टाइम्स चेंजिंग, हेडिंग थी हमारी टाइम्स चेंजिंग। उस टाइम्स चेंजिंग में आप लोगों को क्या करना है, सॉरी हेडिंग थी हमारी टेंस चेंजिंग, क्या हेडिंग थी, टेंस चेंजिंग। टेंस चेंजिंग के अंतर्गत आप लोग हेडिंग डालोगे एक तरफ डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ इनडायरेक्ट स्पीच। किस में डालना है आपको, हेडिंग बनाना है टेंस चेंजिंग। पहली बार हेडिंग में ऐसे आपको लाइन खींच लेनी है, फिर लिखना है आपको डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ लिखना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। तो इधर क्या लिखोगे, इधर लिखेंगे आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। इधर क्या हो जाएगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट, ओके। बस आप लिख लें, बाद में समझा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरे नंबर पे लिखोगे इधर इज आर और एम, इधर क्या हो जाएगा आपका, वाजवर, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा आपका, वाजवर हो जाएगा, ओके। इधर देखें तीसरे नंबर पे, इधर हो जाएगा आपका हैज कॉमा हैव, इधर क्या करना है हम लोगों को, हेड कर देना है, ओके। ये फोर्थ नंबर पे क्या करोगे आप, हैज बीन कॉमा हैव बीन, इधर क्या कर दोगे आप, हैड बीन, ठीक है, इधर क्या कर दोगे, हैड बीन। फिर यहाँ पांचवें नंबर पे लिखोगे आप पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इधर क्या कर दोगे आप, पास्ट परफेक्ट, ओके, पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या लिखोगे सिक्स नंबर पे, वाज वर, इधर क्या हो जाएगा आपका, हैड बीन, ओके, इधर क्या हो जाएगा, हैड बीन। एक काम कर लेना है आपका, इधर जो लिखोगे ना दोनों एक साथ लिख दे रहा हूं मैं आपका, चाहे तो मैं लिखूं हेड या लिखूं आपका हेडबीन, इधर लिख देना है आपको नो चेंज, नो चेंज, अभी बता दिया जाएगा ये नो चेंज, ओके। उसके बाद देखें आप लोग आठवें नंबर पर, मैंने लिखा बिल, ओके, मैंने क्या लिखा आपका बिल, ओके। इधर लिख दे रहा हूँ फिर आपका सेल, तो इधर क्या कर देना है आप लोगों को, वुड भी, वुड नहीं सॉरी, वुड और शुड कर देना है, क्या कर देना है, वुड और शुड, ओके। फिर देखें कैन, इधर हो जाएगा कुड, फिर देखें आप लोग मे, इधर हो जाएगा माइट, इधर क्या हो जाएगा, माइट। कभी ऐसे आ जाए मस्ट, क्या आ जाए, मस्ट, तो मस्ट का हम कहाँ चेंज कर सकते हैं, मस्ट को हेड टू में कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। नीचे वाला आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, वो आपको समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। देखो मैंने क्या डलवाया, पहली हेडिंग थी हमारी टेंस चेंजिंग, पहली हेडिंग क्या थी, टेंस चेंजिंग। एक तरफ डलवाया मैंने डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ डलवाया मैंने इनडायरेक्ट स्पीच। आप जानते हैं अगर आपको यहाँ से आगे इनडायरेक्ट सीखना है, क्योंकि रूल हमारा पहला क्या था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहला रूल था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आरएस में तीन चेंज होंगे। पहला चेंज क्या होगा, टेंस परिवर्तन, दूसरा टाइमिंग वर्ब चेंजिंग,
टाइमिंग वर्ड्स चेंज होंगे, तीसरा प्रोनाउन चेंजिंग। तो पहली हेडिंग है मेरी टेंस चेंजिंग। टेंस चेंजिंग में मैंने क्या डलवाया है, एक तरफ डायरेक्ट एक तरफ इनडायरेक्ट। तो यहाँ से समझे पहले, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर टेंस कौन सा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है। अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो इसको चेंज कहाँ करना है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। कहाँ चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हम लोगों को करना है। ठीक है, आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस भी नहीं जानते बहुत से लोग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, क्या तो डू आएगा या डज आएगा या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या ई एस जुड़ के आएगा, जो कि मैंने पैसे बॉयस वाली वीडियो में ट्रिक बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने का एक तरीका है, क्या तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग के आएगा या डू डज आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, क्या तो सेकेंड फॉर्म आती है या डिड आता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, क्या सेकेंड फॉर्म आती है या डिड आता है। तो ऐसे ही बना सकते हैं आप रूल कि डू डज को कहाँ चेंज करना है, डिड में चेंज कर देना है। फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगी, फर्स्ट फॉर्म का क्या कर देना है, सेकेंड फॉर्म कर देना है। और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दें। ओके, इस आर एम को चेंज करेंगे बाज वर्ब में, जहाँ इज आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, इन तीनों को कहाँ चेंज करना है इनमें से, बाज वर्ब में। हैज हैव को हैड में चेंज करना है, हैज हैव को हैड में, हैज बीन और हैव बीन को हैड बीन में चेंज करना है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, यहाँ आएगा सेकेंड फॉर्म या डिड। पास्ट इंडेफिनिट में क्या तो सेकेंड फॉर्म आती है या डिड आता है, तो इसको चेंज कर देना है कहाँ पर, आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सेकेंड फॉर्म बना देना है, यहाँ सेकेंड फॉर्म आएगी तो इसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म बना देना है। यानी पास्ट इंडेफिनिट को हम लोगों को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। ठीक है, सपोज दैट बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो आपका वेंट आ गया, सपोज बेंट आ गया, तो इधर चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, हेड गॉन करेंगे, क्या करेंगे, हेड गॉन करेंगे। ठीक है, यानी ये सेकंड फॉर्म को हम कहाँ चेंज कर देना है, आपको पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा लिख ही दे रहा हूँ, जैसे डू आ जाए, ये आपका डज आ जाए, तो कहाँ चेंज कर देना है, आपको डिड में चेंज कर देना है। कहाँ कर देना है, डिड में चेंज कर देना है, या इसमें एस लग के आएगा या ई एस लग के आएगा, है ना। ये आपका क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, ये आपका क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इधर क्या कर देना है, इधर आपको सेकंड फॉर्म कर देना है, क्या कर देना है, सेकंड फॉर्म कर देना है। ओके, सेकंड फॉर्म आप लोगों को कर देना है। ऐसे ही बाज वर्ब को कहाँ चेंज करना है, हेडविन में चेंज करना है। लेकिन हेड आ जाए तो हेड का हेड ही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, या फिर हेडविन आ जाए तो हेडविन का हेडविन ही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हेड का हेड और हेडविन का हेडविन। बिल का बुड़ होगा और सेल का सुड़ होगा, ध्यान रखना, बिल का बुड़ और सेल का सुड़। कैन का कुड़, मे का माइट, मस्ट। मस्ट को हम क्या कर सकते हैं, क्या तो मस्ट को आप मस्ट में रहने दें, बाकी गलत नहीं होगा। मस्ट को मस्ट में ही रहने दें, बाकी गलत नहीं होगा। या फिर मस्ट को चेंज करना है आप लोगों को, कोई टीचर पूछ ले तो किस में चेंज करें, क्या तो हैड टू में चेंज कर दें मस्ट को, या फिर वुड हैव टू में चेंज कर दें, इन दोनों में से किसी एक में चेंज कर दें, किसको, सिर्फ मस्ट को। मस्ट का सिर्फ मस्ट ही रहता है, अगर मस्ट का मस्ट ही रखें अच्छी बात है, पर चेंज करना है आप लोगों को तो कहाँ चेंज करें, हैड टू और वुड हैव टू में चेंज कर दें, करना है तो क्या तो हैड टू लगाएं या वुड हैव टू लगाएं। ठीक है, ये तो एक क्या थी हमारी, टेंस चेंजिंग था। ये क्या था, टेंस चेंजिंग। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको क्लियर फ्लुएंटली याद होना चाहिए कि हैज हैव को हेड में चेंज करेंगे, इज आर एम को वाज वर्ब में चेंज करेंगे, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, तभी आप चेंज कर पाएंगे। तो ये पहली हेडिंग थी हमारी टेंस चेंजिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ही थोड़ा सा आज पॉज देते हैं, तो नेक्स्ट हमारे जो दोनों ही पार्ट में एक ही वीडियो में करा दूंगा, कौन से, टाइमिंग वर्ड चेंजिंग और प्रोनाउन चेंजिंग। तो आज के लिए थोड़ा इतना ही, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।